बेटा जो पीछे जो वीडियो के अंदर हमें फैक्टर्स तक पढ़ाया था, अब आगे जो है हमारा फैक्टर्स का आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, वन टू एंड मोर नंबर्स एंड वेरिएबल कि वो कह रहा है कि व्हेन वन टू एंड मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी, भाई एक हो दो हो या उससे ज़्यादा हमारे पास नंबर्स दे रखे हों या वेरिएबल दे रखे हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन ईच ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट और एक दूसरे की, और जो उनकी प्रोडक्ट होती है इज कॉल्ड फैक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको, फैक्टर बोलते हैं। तो ये तो फैक्टर की जो डेफिनेशन है आपकी। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे, देखो इसके अंदर क्या होता है, द वैल्यू देखो एक्सप्रेशन व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म, द एक्सप्रेशन टर्म कर लो यहाँ पे। आपके पास कोई भी टर्म दे रखी है, उस टर्म के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टर्म, जो टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लें इसका, जैसे मैंने ये लिख लिया 5x² y, ठीक है, इसके अंदर हमें कोफिशिएंट बताना है इसका। तो क्या बताएंगे इसके अंदर, 5 जो है इज कोफिशिएंट ऑफ x² y। तो जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आ रही है हमारी वही क्या है इसका, कोफिशिएंट कहलाएगा आपकी जो टर्म दे रखी होगी उसका। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं अभी कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है, कॉन्स्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, एग्जाम्पल ले यानी 2x+3/4, तो यहाँ पे जो फिक्स जो वैल्यू है आपके पास 3/4, ये क्या हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट टर्म को हम जैसे राइट करते हैं तो जो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और जो आपकी वेरिएबल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल फैक्टर बोलते हैं। कॉन्स्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आती हैं, दो चीज़ आती हैं। जैसे अभी टर्म की बात चल रही थी, उनके बाद आएंगे हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म कौन सी होती है आपकी, देखो यहाँ तक जो अभी जो चल रहा है वो 7th और 8th दोनों के लिए है, आगे जो बात होंगी वो 8th के लिए आएंगे, आपको बता दिया जाएगी कि भाई 8th, देखो 7th और 8th के लिए बेसिक चीज़ें यही है। तो 8th के अंदर तो क्या आती है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो यूज होने स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो बताया था आपको, क्या बताया कि लाइक टर्म कौन सी होती है, देखो लाइक टर्म कौन सी होती है आपकी, लाइक के अंदर क्या बताएंगे कि जो वेरिएबल द टर्म कौन सी टर्म, जैसे हमने मान लो एग्जांपल ले 3x और 4x, ये दोनों टर्म्स कैसी हमारी लाइक टर्म है, तो इसके अंदर क्या कहेंगे कि द
टर्म्स ऑफ सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, कि उनका जो वेरिएबल है वो सेम हो, वेरिएबल जो हो वो सेम दे रखा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। वेरिएबल सेम का अर्थ है यहाँ पे कि उनके अंदर जो वेरिएबल एंड जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, इज सेम, ये दोनों चीजें हमारी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट इज सेम। देखो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, इसका भी एक्स है, एक्सपोनेंट क्या है, इसका वन है, इसका भी कितना है, वन है। तो ये चीजें हमें देखना है कि उसके अंदर हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफरेंस यही होता है कि लाइक टर्म में क्या होता है, जो टर्म आपको दे रखी है सेम वेरिएबल कि भी जो भी टर्म है उसका सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल में आ जाता है कि भाई वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट इज सेम, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास अनलाइक टर्म, और अनलाइक टर्म में क्या आ जाता है, छोटी सी, द डिफरेंस द वेरिएबल इज डिफरेंट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। जैसे हमने ले लिया 3x और एक इधर दे रखा है एक्स वाई, तो यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है इसके अंदर वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल इस टर्म के साथ एक्स वाई है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल के हो गए, तो ये अनलाइक टर्म कहलाते हैं। उसके बाद आता है कि भी एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है हमें, कि उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है, कैसे करते हैं, देखो उन्हीं को ऐड किया जा सकता है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे जो लाइक टर्म, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर लाइक टर्म कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू टू डिफाइन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो कोलम मेथड होता है, एक रो मेथड होता है, बेस्ट आपके लिए रो मेथड होगा कि जिसके अंदर रो के अंदर रखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लें कि भी एडिशन कर रहे हैं उनका 3x प्लस 4y प्लस 9xy, एक टर्म ये हो गई आपकी, सेकंड टर्म आपने ली 3xy प्लस 9x प्लस 3z, ये दो टर्म है, इनको आपको ऐड करना है, तो आपको रो मेथड में ऐड कर रहे हैं, तो रो मेथड में जैसे आपके पास पहली जो टर्म है आपने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा एक्स वाई है, सेकंड टर्म देखो ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन का साइन प्लस आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, सेकंड जो टर्म आपकी वो पुट कर लेंगे यहाँ पे, एक्स है ये जेड दे रखे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि लाइक टर्म, लाइक टर्म क्या बताया था, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल का मतलब उनका एक्सपोनेंट और वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स ऐसा वेरिएबल कोई और दिखाई दे रहा आपको, देखो इसके साथ है, तो इन दोनों के जो ये क्या थ्री और नाइन क्या है, इसके कोफिशियंट है, इनको ऐड कर लेंगे, पहले थ्री और नाइन को ऐड करेंगे कितना जाएगा 12 और एक्स का एक्स। अब देखो y खाली जिसके साथ y हो और है कोई इसके अंदर नहीं है, तो एज इट इज लिख लेंगे इसको, प्लस 9xy जिसमें x और y आपको ये भी दिखाई दे रहा है और ये xy है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12xy। अब हमारे पास क्या बच गया, इनको ऐड कर लिया हमने, इनको ऐड कर लिया, इसका कर लिया, क्या बच गया 3z और कोई है नहीं है, तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। आगे जो आपके पास इसमें दो आइडेंटिटी आएंगी, अब ये तो था एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या जाएगा, बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हमें साइन जो होते हैं उनका यूज करना होता है। साइन का यूज कैसे करेंगे, देखो साइन के अंदर यूज करने के लिए हमारे पास जैसे मान लो ये हमने कोई भी 3xy प्लस 9x2 एक टर्म तो ये है,
दूसरी जो टर्म है थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म दे रखी है, इनके बीच में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, या इसमें यहाँ लिखा हुआ हो फ्रोम, ठीक है। तो फ्रोम, फ्रोम का मीनिंग क्या होता है, फ्रोम का मीनिंग है इस टर्म में से हमें ये वाली टर्म क्या करनी है, माइनस करनी है, ये वाली टर्म इसमें से। तो आपको पहले कौन सी, फ्रोम के बाद जो टर्म आ रही है वो ग्रेटेस्ट है, उसमें से ये टर्म आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो क्या करेंगे, पहले ये टर्म पुट करेंगे थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है तो किसका साइन आएगा बीच में, माइनस का। सेकेंड थ्री एक्स वाई प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही देखेंगे सबसे पहले कि लाइक टर्म कौन कौन सी है, लाइक टर्म देखो जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल हो, एक्स और वाई ये है हमारे पास दोनों, यहाँ रखेंगे। देखो अब एक चीज आती है, माइनस आ रही है तो इसको आप क्या रखो, ब्रेकेट के अंदर डालो, माइनस अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकेंड वाली जो टर्म है उसको ब्रेकेट के अंदर डालना है। अब देखो जो ब्रेकेट के बाहर, अगर किसी ब्रेकेट के बाहर साइन माइनस का है तो वो अंदर के ब्रैकेट के साइन क्या करती है, वो चेंज कर देती है। अगर प्लस के हैं तो वो किसके चेंज हो जाएंगे, माइनस में, अगर माइनस के हैं तो किस में चेंज हो जाएंगे, वो प्लस के अंदर। तो ये देखना आपको, अब देखो इसको अंदर ले जाएंगे, इस माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहली जो टर्म है थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस। थ्री एक्स वाई ये भी प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर। अब हम इनको बारी बारी से क्या करेंगे, वही लाइक टर्म में से ऐड हो रहा है तो ऐड, माइनस हो रहा है तो माइनस। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो एक तो थ्री एक्स वाई पॉजिटिव, एक थ्री एक्स वाई नेगेटिव, रख लिया दोनों को साथ, ब्रैकेट में डाल लो, यहाँ पे किसका साइन लगा दो, प्लस का साइन लगाते चलो। अब वाई की पावर टू और है, यहाँ पे वाई की पावर टू नहीं है तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा पुट कर लो। प्लस एक्स की पावर टू का कोई और है, ये रहा एक्स की पावर टू का वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों को रखेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो दोनों सेम है, माइनस कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया, टू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखो नाइन और एक थ्री है, तो नाइन बड़ा है थ्री बड़ा है, देखो डिफरेंट साइन आ रहे हैं हमारे पास, तो डिफरेंट में क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नाइन में से थ्री जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिक्स। अब नाइन के साथ किसका साइन है, माइनस का है, तो यहाँ भी आंसर में किसका साइन आएगा, माइनस का, सिक्स एक्स स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इनके अंदर। आगे जो यूज आएंगे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किन किन की होती है, एक तो आपको देखो मल्टीप्लाई करनी है कि भाई मोनोमियल टर्म को मोनोमियल टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी आपको करनी है कि एक मोनोमियल टर्म के एक बाइनोमियल टर्म के साथ। अब किसके अंदर यूज करेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते, देखो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी मोनोमियल बाई मोनोमियल, कि भाई मोनोमियल जो टर्म है उसके मोनोमियल टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई, जैसे 3x मल्टीप्लाई 4x, तो इसके अंदर भी हमें साइन का यूज करना होगा। मल्टीप्लाई के अंदर जो साइन होते हैं उनका यूज किया जाता है, उसके अंदर साइन भी आज यूज करते हैं और एक्सपोनेंट जो होता है उसका भी यूज किया जाता है। एक्सपोनेंट आपने पीछे पढ़ा था, उनका भी यूज होगा इसके अंदर। देखो साइन का यूज, अगर दोनों ही प्लस के हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं और दोनों के बीच मल्टीप्लाई, साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अगर माइनस के हैं दोनों तो भी किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। डिफरेंट साइन है तो किसका आएगा आपके पास, माइनस का साइन आएगा। अब एक्सपोनेंट का भी यूज करना है आपको, कि एक्सपोनेंट देखना है कि लाइक जो वेरिएबल होते हैं तो उनकी जो एक्स पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब लाइक बेस जो होते हैं आपने पढ़ा होगा वही, जैसे इसके अंदर देखो पहले सबसे पहले हम इनके जो कोफिशियंट है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं,
थ्री मल्टीप्लाई फोर कर लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या था, एक्स था, इधर भी क्या था, एक्स। देखो सेम वैल्यू सेम बेस है इनका, तो इनकी जो पावर है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इनकी पावर क्या दे रखी है, वन और वन दे रखी है। तो ये पावर्स देखो एक्सपोनेंट फर्स्ट लग रहा है यहाँ पे, कि भाई जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। फोर थ्री जै ट्वेल्व, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ट्वेल्व। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम मोनोमियल जो टर्म होती है उसकी मोनोमियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है उसमें क्या बताया मैंने, बाइनोमियल बाई मोनोमियल टर्म, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई। तो जैसे हमारे पास मान लो मोनोमियल टर्म ले लिया हमने x, और एक दे रखा है a प्लस बी, ये कैसी टर्म है, ये तो आपकी होगी बाइनोमियल और ये क्या होगी आपकी मोनोमियल टर्म। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, ये जो x होता है ये क्या करेगा, एक तो a के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक बार, ऐसे ही x किसके साथ करेगा, b के साथ प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो x मल्टीप्लाई a प्लस x मल्टीप्लाई b, इन दोनों के हमने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई खोल लिया, इनको जो बीच में साइन है वही साइन यूज करेंगे, बीच में प्लस आता है प्लस, अगर यहाँ माइनस दे रखा तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीजें आपकी मल्टीप्लीकेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट जो आपकी जो आइडेंटिटी यूज की जाती है, आगे आइडेंटिटी यूज क्या करते हैं इसके अंदर, देखो सबसे जो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी कि वो ये है आपकी फर्स्ट जो आती है आपकी पहली जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी सारे का सारे की पावर टू। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल लगा सकते हैं, क्या होता है यहाँ पे पावर टू है तो इसका मतलब जो बेस आपका वो कितनी बार प्रोडक्ट करेगा, दो बार। अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, अभी सोल्व करके दिखाना है, तो इसके अंदर जो बेस दे रखा वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसको सोल्व करें तो देखो ये जो आप एक ब्रैकेट को उठा लो, कोई भी ब्रैकेट, हमने फर्स्ट ब्रैकेट को उठा ले, सेकंड को एज इट इज रखा, तो ये इसका जो फर्स्ट है ए है, ये जो पूरे ब्रैकेट सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, बीच में किसका साइन है, प्लस प्लस का साइन लगा दिया। अब ये जो सेकंड टर्म है बी, वो भी करेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। आ गया हमारे पास भी एक मोनोमियल बिनोमियल टर्म की मल्टीप्लाई वाला। अब a की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो a की पावर a, a मल्टीप्लाई a, तो बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 2 प्लस a मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस का साइन है प्लस, b करेगा इस a के साथ तो ए बी बन जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई b, वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, b की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है, सेम वेरिएबल है दोनों का, तो ऐड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आपकी किसकी, a प्लस बी सारे की पावर 2 या सारे की होल स्क्वायर जो होता है ab का, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी हमारी क्या है, a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर। उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो जहाँ पे देखो स्क्वेयर करते हो आप, स्क्वेयर के अंदर क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ यहाँ डिफरेंस आएगा, यहाँ साइन किसका जाएगा, माइनस, तो बाकी सेम रहेगा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। थर्ड जो है हमारी इसके अंदर यूज करते हैं, थर्ड क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस प्रकार से जैसे आपके एग्जाम्पल देंगे इनके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब होता है एक बार जो टर्म है उन दोनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, घटा दो ब्रैकेट के अंदर। एग्जाम्पल इसका उठाएं हम, जैसे हमारे पास 3 और 2 दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 3 की स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं तो क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक में लगा रहे हैं तो एल्जेब्रिक टर्म ले लो यहाँ पे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3x माइनस 2y,
3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, तो यहाँ पुट करें उसके अंदर, तो एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है, तो 3x प्लस 2y और एक आ जाएगा 3x माइनस 2y। तो इस प्रकार से हम इन आइडेंटिटी का यूज करते हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल लें, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, a प्लस बी ए माइनस बी, आपको डिफरेंस जब वही आएगा। एग्जांपल हमने लिया a प्लस बी का, तो ये आइडेंटिटी थी प्लस माइनस में, दोनों साथ रख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने ले लिया 3x माइनस 4y सारी की पावर 2, किस पे लगा रहे हैं, प्लस में, एडिशन वाले पे, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है हमारी 4y, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ a की वैल्यू पुट करें, a कितना 3x, b कितना 4y, प्लस b की जगह क्या रखेंगे 4y, 4y की पावर है 2। अब इसको ओपन करते हैं, 3 की पावर 3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर करना है इसके, 3 मल्टीप्लाई 3 9, x की पावर क्या जाएगी 2, प्लस 3 2 जा, देखो इनके जो कोफिशेंट उनकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 20 24, x और y, ठीक है, प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, y की पावर है 2, y की पावर है 2। तो ये आपका आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ तक आपका जो ये सोल्व किया हमने, ये 7th क्लास के लिए है, और 7th 8th के लिए, दोनों के लिए, बट 7th तक का यही पोर्शन खत्म हो जाता है। जब आगे जो वीडियो होगा वो 8th क्लास के लिए आएंगी, आइडेंटिटी आती है बेसिक जो बातें थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो 7th और 8th की यहीं तक थी, आगे जो 8th का जो लेवल आएगा उसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे।